ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित को होश आ गया है और अधीरा ने अरमान को फोन करके ये गुड न्यूज भी दे दी है। तब तक घर वाले आकर रोहित को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक एक करके हर कोई रोहित से मिलता है। पहले रोहित की माँ आती है, फिर उसके पापा आते हैं, फिर दादी सा उसे गले लगाती है और बाकी फैमिली मेंबर्स भी एक एक करके बहुत ज्यादा इमोशनल एंड एट द सेम टाइम खुश होते हैं और रोहित से मिलते हैं, उसे गले लगाते हैं। तब तक अभीरा पर्दे के पीछे छुपी रहती है क्योंकि वो घर में रोहित के कमरे में विंडो से आई होती है क्योंकि उसे इस घर में आने की परमिशन नहीं है। इतने में अरमान भी वहां पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है रोहित को होश में देखकर और सीधा वो जाता है रोहित के पास और उसे गले लगा लेता है। लेकिन रोहित उसे वहां से धक्का दे देता है और बोलता है आप मेरे भाई नहीं हो, जिसके बाद अरमान हैरान रह जाता है। अरमान जहाँ जाकर गिरता है वहीं पीछे पर्दे के अभीरा भी होती है और वो नीचे बैठकर अरमान के हाथ पर हाथ रखती है और उसे संभालती है और अरमान को पता चलता है कि अभीरा रूम में ही है और अभीरा जब उसे इस तरह से कंसोल करती है तो वो खड़ा होता है। इतने में बेड से रोहित भी खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूँ। अरमान को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन रोहित इतने गुस्से में होता है कि वो दोबारा से बेहोश होने लगता है और अरमान उसे संभाल लेता है क्योंकि उसका सिर साइड टेबल पर लगने वाला होता है और फिर सभी मिलकर उसे वापस बेड पर लेटाते हैं। अभीरा अरमान को वहां से ले जाती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। अरमान बोलता है कि वो इस तरह से रोहित का गुस्सा नहीं सह सकता, वो सारी की सारी गलतफहमी अभी के अभी दूर करेगा और रोहित को सारा सच बताएगा। अभीरा अरमान को रोकती है कि अभी सच बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि रोहित सुनेगा ही नहीं, वो इतना ज्यादा हर्ट है, उसका कोई भी लॉजिक अभी वर्क नहीं करेगा। और अरमान बोलता है कि अभीरा कैसे समझ सकती है दो भाइयों का प्यार कितना कैसा गहरा होता है, जिसके बाद अभीरा बोलती है लेकिन वो ये समझ सकती है कि जब कोई हर्ट होता है तो वो किसी की बात समझने के लायक नहीं होता। और अरमान अभीरा को ऐसे दिखाता है कि हाँ उसे अभीरा की बात समझ आ गई है, बट वो अभीरा को फोन में या किसी और चीज में बिजी करके चला जाता है फिर से रोहित के पास। एक बार फिर से रोहित अरमान का दिल तोड़ेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अब ये गलतफहमी दूर होगी दो भाइयों के बीच की, एंड ये सब कुछ ऑब्वियसली अभीरा ही करेगी।